हेलो फ्रेंड, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो एआर इमोजीज वाला जो ऐप होता है, या फिर बोल सकते हैं एआर इमोजीज का जो जिसमें आप देख सकते हैं इमोजीज बना सकते हैं अपने खुद का, उस ऐप के अंदर एक नया अपडेट आया और कमाल के नए फीचर को वहां पर एड ऑन किया गया है। दोस्तों ये नया अपडेट क्या है, क्या नए फीचर एड ऑन किए गए, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों उससे पहले एक चीज बताऊं, अगर आपको नहीं पता एआर इमोजीज होता क्या है और कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको उसका नया अपडेट के और नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो उसके मत करिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों एआर इमोजेस के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको यहां थ्री डॉट्स में जाना और यहां अपडेट्स में जाएंगे। अपडेट्स में जाएंगे तो इसके दो ऐप हैं, दोनों पे अपडेट आपको मिल रहे होंगे, एक एआर इमोजेस है और एक एआर इमोजेस एडिटर। अगर आप एआर इमोजेस पे जाएंगे तो यहां पर कोई भी नया फीचर नहीं दिया हुआ, सिंपल फिक्स करे होंगे एरर्स को, तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आके आपको एआर इमोजेस वाले एडिटर पे आना है। यहां पर आने के आप देखेंगे इसमें एक नया अपडेट आया है और यहां दो नए फीचर एड किए गए। दो नए फीचर क्या हैं? एडेड सैमसंग क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन फीचर, इंप्रूव डिलीट क्लॉक डिजाइन आइटम फीचर। यहां पर जो सबसे पहला फीचर है एड सैमसंग क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन फीचर, मतलब कि इससे क्या होगा, अगर आपने अपना जो सैमसंग अकाउंट लॉगिन करके रखा है और जितने भी आपके सैमसंग अकाउंट है, अगर आपने अपना सैमसंग का अकाउंट लॉगिन कर रखा है और जितने भी आपके सैमसंग अकाउंट तो दोस्तों इस फीचर से होगा क्या, अगर आपने अपना सैमसंग अकाउंट जितने भी आपके डिवाइसेस हैं सैमसंग की, उसमें अगर आपने सैमसंग अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो वहां पर आपको एआर इमोजेस पे ऑटोमेटिक जो आपने यहाँ डिजाइन करा होगा इसमें, वो आपको सब पे वहां पर मिलने वाला है, मतलब कि आपका वहां बैकअप और रिस्टोर होने वाला काम। तो मैंने इसको कर लिया अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको उसका आगे का फीचर बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं वापस आपको यहाँ ले जा रहा हूँ सेटिंग पे। सेटिंग पे ले जाने के बाद मैं आपको ले गया सैमसंग अकाउंट पे, और अकाउंट पे आने के बाद मैं आपको ले गया सैमसंग क्लाउड पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सैमसंग क्लाउड पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी एआर इमोजेस वाला अभी अपडेट आपको अभी दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी उसको अपडेट कर लिया है तो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। अगर आपने उस ऐप को अपडेट नहीं करा होगा तो यहाँ पर आपको एआर इमोजेस वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले अपडेट कर लेना है उसके बाद यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या है, इम्प्रूव डिलीट क्लॉथ डिजाइनर आइटम फीचर। यहाँ पर क्या है, उसको इम्प्रूव कर दिया गया है डिलीट क्लॉथ। अगर आपने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, बताता हूँ कैसे। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको वीडियो का लिंक मिल गया होगा, आप जाके देख लें। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर ही अपना इमोजेस बना रखा है और एक डिजाइनिंग पे जाके मैंने अपना यहाँ पर कोई सा भी एक डिजाइन बना लिया, लाइक मैंने यहाँ पर ऐसे कोई सा भी कपड़े सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कोई सा भी पैटर्न डाल दिया, लाइक मैंने ये पैटर्न डाल के उसको सेव कर दिया और ये मैंने बना लिया। अब सेव बनाने के बाद मैंने उसको ट्राई नाउ भी पे क्लिक कर दिया, ये आपको बन गया। आपको यहाँ पर बहुत सारे कस्टम वाले आपको दिख जाएंगे, आप बैक आएंगे तो आपको बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे माय वाले सेक्शन पे, तो जो भी आपने क्रिएट करे होंगे डिजाइनिंग वाले आपको यहाँ पर सब दिख जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी ये वाला बनाया था आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, आप इजीली इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो पहले डिलीट का ऑप्शन नहीं था अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे दिया गया और इम्प्रूव कर दिया गया, जो पहले खराब चलता था अब इसको अच्छे से कर दिया गया। आप बहुत ईजिली किसी को भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और बहुत ईजिली आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बनता है। और बनाना चाहें तो प्लस पर क्लिक करके दोबारा यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी बनाना है आप उसको सेव कर लीजिए, इजीली यहां पर सेव हो जाएगा और आपको वहां पर दिख भी जाएगा। यहां पर आप देखेंगे सेव हो चुका है और एन करके साइन भी आएगा, मतलब कि नया फीचर यही है। अगर आपने बहुत सारे यहां पर क्लोज को ऐड ऑन कर लिए, जैसे मैंने दो चार ही करें, अगर आपने बहुत सारे ऐड ऑन कर लिए, आप उसमें डिलीट करना चाहते हैं, यार ये बेकार हो गया हमको सबको डिलीट करना है, तो आप यहां पर सिलेक्ट ऑल डिलीट पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहां पर एक एक करके सबको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं और आप यहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी मुझे बहुत बेस्ट लगा कि यार डिलीट तो करना ही पड़ेगा ना, जब हमने कोई भी डिजाइन बनाया तो हम उसको डिलीट तो करेंगे, तो आप इसके थ्रू यहां पर डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यही नया अपडेट था और यही नए फीचर यहां पर दिए गए थे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकता हूं, और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।